आज के मूवी में हम एक ऐसे टीचर को देखेंगे जो अनजाने में ही अपने ही स्टूडेंट के साथ गचर गचर करके टपाटप कर लेती है। लेकिन स्टूडेंट के साथ गचर गचर करने का अंजाम क्या होता है, आज के हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। इसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मूवी की शुरुआत में फ्लिक्स और जून नाम के हम कपल को देखते हैं, जो कि एक कार में लड़ते हुए जा रहे थे और इन दोनों के साथ कार में उनका एक छोटा बेटा इयान होता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि जून को पता चल चुका था कि फ्लिक्स का अफेयर किसी और के साथ भी है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जिस वजह से जून पूरी तरह तंग आ चुकी थी और फ्लिक्स भी उसे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और यह सब सुनकर जून को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और वह उसे रोते हुए कहती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मर तो सकते हैं। और इसलिए जून उसके कार के स्टेयरिंग को जोर से घुमा देती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस एक्सीडेंट में जून और उसका बच्चा बच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके पति की मौत हो जाती है। अब इसके कुछ सालों बाद हमें केथी नाम की एक टीचर को दिखाया जाता है, जिसे रिसेंटली ही प्रमोशन मिला था और वह टीचर से प्रिंसिपल बन चुकी थी और इसी खुशी में वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही थी। यहाँ पर केथी अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी, इसलिए उसकी फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि तुम किसी और के साथ डेट कर लो। लेकिन यहाँ पर केथी को ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था और इसके कुछ समय बाद उनके रूम में एसी खराब हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर होटल के मैनेजर ने इयान नाम के एक लड़के को एसी ठीक करने के लिए भेजा था। यहाँ पर इयान काफी ज्यादा इनोसेंट होता है, जिस वजह से केथी की फ्रेंड्स उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अब उसी रात जब केथी स्विमिंग करने जाती है तब वहाँ पर इयान आ जाता है और इयान वहाँ पर केथी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और वहाँ पर केथी इयान से अट्रैक्ट हो जाती है और वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और वहीं पर इयान इन दोनों की वीडियो भी बना लेता है। लेकिन यहाँ पर केथी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। अब ये सारे काम खत्म हो जाने के बाद इयान उसके दोस्त को अपने कपड़े दे देता है। दरअसल इयान यहाँ पर कोई काम वाम नहीं करता था, यह तो इयान का मास्टर प्लान था ताकि वो केथी से इंटीमेट हो सके और उसका वीडियो बना सके। इयान के स्टेप फादर एक ड्रग डीलर होते हैं जो कि जून के नेक्स्ट हस्बैंड थे। यह जून वही थी जिसका शुरुआती समय में एक्सीडेंट हुआ था और इयान वही बच्चा होता है जो उस एक्सीडेंट में बच गया था। जून की शादी एक ड्रग डीलर से हो चुकी थी, इसलिए इयान अपने स्टेप फादर के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जून पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। आगे हम देखते हैं केथी की बेटी ब्री है, जिसे वो अपने स्कूल में लेके जाती है और ब्री का स्कूल में फर्स्ट डेट होता है, इसलिए यहाँ पर जिन और लेजी ब्री के दोस्त बन जाते हैं और इसी क्लास में इयान भी पढ़ता है जो कि ब्री के पास आकर उसके साथ दोस्ती कर लेता है। इयान ब्री से काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करता है, जिस वजह से ब्री उससे इम्प्रेस हो जाती है और वह उसकी दोस्त बन जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल में रहने लगे थे और ब्री को भी इयान का साथ अच्छा लगने लगा था। एक बार इयान ब्री के साथ क्लास में जाता है जहाँ पर कैथी भी होती है और कैथी जब उसे ब्री के साथ देखती है तो उसे सीधे वो रात याद आ जाती है जिस रात वो इयान के साथ इंटीमेट हुई थी। इस वजह से केथी इयान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इयान बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वह एक लफंगा लड़का है। यहाँ तक कि उसके पिताजी एक ड्रग डीलर हैं, इसलिए केथी ब्री को इयान से दूर रहने के लिए कहती है। वह उसे बताती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वह उसे किसी न किसी दिन नुकसान भी पहुँचा सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्री अपनी मॉम की बिल्कुल भी बात नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर ब्री को लग रहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वह उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात करता है। दूसरी ओर हम इयान को देखते हैं जो कि अपने मॉम को कैथी का फोटो दिखा रहा था और बता रहा था कि हमारा बदला जल्द ही पूरा होगा। वो इसलिए कहता है क्योंकि इयान के पिताजी का अफेयर कैथी से ही होता है और इयान उसकी और उसके मॉम का हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कैथी को मानते हैं। कुछ दिनों बाद कैथी का हस्बैंड उसके पास आता है और कुछ देर तक कैथी से बात करने के बाद अपनी बेटी ब्री के साथ लंच के लिए जाता है, जहाँ पर इयान ब्री का पीछा कर रहा था और वो सीधे उसे होटल में मिलता है और उसी के बाद ब्री के साथ बात करते हुए इयान को उसके फादर देख लेते हैं और वो ब्री को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद ब्री के पिताजी कैथी से बताते हैं कि उसका एक फ्रेंड वहाँ पे मिल गया था और यह सब सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि वह कोई और नहीं वहाँ पर इयान ही होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कैथी अपने फ्रेंड को बताती है कि उस रात वो जिस लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी वह कोई और नहीं वहाँ का स्टूडेंट ही है और अब वो लड़का उसकी बेटी को भी फंसाना चाहता है, इसलिए ये दोनों वहाँ पर एक प्लान बनाती हैं ताकि इयान उनका पीछा छोड़ दे। केथी रात को इयान के ड्रॉवर में एक चाकू रख देती है और अगले दिन चाकू का बहाना बनाकर स्कूल से उसे निकाल दिया जाता है। अब इयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह घर जाकर गुस्से में अपने ही स्टेप फादर को मार डालता है। अब दूसरे दिन इयान स्कूल में घुसकर ब्री को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जीना उसके साथ जाते हुए उसे देख लेती है, इसलिए वह केथी को बताती है कि ब्री को इयान लेकर गया है। इसलिए केथी ब्री को फोन करती है, लेकिन ब्री का कॉल वहाँ पर इयान उठाता है।
और इयान वहाँ पर ब्री के बदले कैथी से बहुत सारे पैसे मांगता है। वहीं दूसरी ओर कैथी भी अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरे पैसे देने के लिए राजी हो जाती है। अब यहाँ दूसरी ओर इयान कार में ब्री को बताता है कि वो उसकी ही सिस्टर है। वह बताता है कि तुम जिसे डैड मानती हो वो तुम्हारे असली डैड नहीं है। तुम्हारी मॉम का अफेयर कुछ साल पहले मेरे पिताजी के साथ था, और इसी के साथ साथ वो कैथी के साथ इंटीमेट होने वाली बात भी उसे बता देता है। और यह सब सुनकर ब्री को उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, और वह इयान को कहती है कि वह उसे घर छोड़ दे, लेकिन इयान उसकी बात नहीं मानता। कुछ देर बाद वहाँ पर कैथी भी उसके पास पहुँच जाती है, जहाँ पर वह इयान को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर इयान बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं था। वह सिर्फ कैथी से ढेर सारे पैसे लेकर उसका और उसकी मॉम का लाइफ ठीक करना चाहता था। यहीं पर ब्री के सामने कैथी एक्सेप्ट करती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हुई है, और यह सब जानकर ब्री को बहुत बुरा लगता है। अब इन लोगों की कुछ देर तक ऐसी ही बहस चलती होती है, जिस वजह से इयान कैथी के ऊपर गन तान देता है, और कैथी मौका पाते ही इयान को लेकर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद जाती है, जिससे इयान का वहीं पर मौत हो जाता है। लेकिन कैथी वहां पर बच जाती है, और वहीं पर दूसरी ओर जून अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। कुछ साल बाद हम देखते हैं कैथी अपने परिवार के साथ काफी खुश रहती है, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको यह पूरी मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप पूरी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।